नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज और मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। शाहीनबाग ड्रग्स कनेक्शन मामले में एनसीबी एक्शन में दिख रही है। इस मामले में एनसीबी ने एक और शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में ये पांचवी गिरफ्तारी है। हवाला कारोबार से जुड़ा शमीम एनसीबी के हत्थे चढ़ गया है। शमीम की गिरफ्तारी पूर्वी दिल्ली से हुई। बताया जा रहा है कि शमीम में दुबई और कई दूसरी जगहों से सीधे संपर्क थे। शमीम हीरोइन से होने वाली कमाई का पैसा हवाला के जरिए विदेश भेजता था। वो दुबई में बैठे शाहिद के भी संपर्क में है। पिछले दिनों एनसीबी की दिल्ली यूनिट ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दिल्ली के जामिया नगर इलाके से शाहीनबाग में 50 किलो हीरोइन और 47 किलो संदिग्ध नार्को बरामद किया। वहां से 30 लाख कैश और नोट गिनने की मशीन भी मिली थी। ड्रग्स को ट्रैवल बैग में छिपाया गया था और हीरोइन अफगानिस्तान और कैश हवाला के जरिए आया था। ये हीरोइन समुद्री और बॉर्डर के रास्ते से लाई गई थी। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज़।